जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यार दोस्तों को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिलिट्री जवान पर। तो दोस्तों, आज मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, आज से पहले कभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं सहायक उप निरीक्षक राहुल चौधरी अभी वर्तमान में जो है CISF में कार्यरत हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इससे पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। तो मैं बताता हूँ क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो आज की वीडियो है ना, वो आपके भविष्य को लेकर है। ठीक है, अब तक की जो वीडियोस थी इतना उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपके ज़िंदगी भर का मतलब सवाल आ जाए, लेकिन इस वीडियो में जो है आपको ज़िंदगी भर का सवाल रहेगा। ठीक है, जो छोटी सी माइनर मिस्टेक आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती, आपके जितने निर्णय आपने सोचे थे जीवन में मुझे क्या करना है कैसे करना, वो सब कुछ चेंज हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो खास तौर से आज की जो वीडियो है पोस्ट प्रिफ्रेंस से लेकर है, किस पोस्ट को आप मतलब पहले प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड देनी है, किसको थर्ड देनी है। मैं सहायक उप निरीक्षक राहुल चौधरी, देखो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूँगा कि आप मेरे कहने से आके किसी पर्टिकुलर पोस्ट को आके फर्स्ट सेकेंड थर्ड चॉइस दें, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा अपना ओपिनियन रखूँगा, सलाह दूंगा। अगर आपको माननी है, अच्छी लगती तो कीजिएगा प्लीज़, अदरवाइज़ आप खुद जाके जो है पहले पर्टिकुलर हर फोर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं, सारे के सारे फोर्स के बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो आपको खुद डिसाइड करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे फोर्स के जितने भी जो प्रोफाइल हैं सब डाल दिए, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वो फॉर्म फिलअप करना, अच्छे से करना। किस तरह से करना दोस्तों, तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है, देखो सबसे पहले आप देख लीजिए पूरा किस तरह से शेड्यूल है। फॉर्म भरते वक्त BSF का A, ठीक है, CISF का B, SSB का D, ITBP का E और असम राइफल का F और SSF का H। तो ये पोस्ट प्रिफ्रेंस आपको ऐसे नहीं भरनी ABCDFH, ये आपको भरनी है जैसे कि आपको SSF फर्स्ट चॉइस भरनी है। तो SSF के लिए आप जो फर्स्ट में आप जो H भरेंगे, ठीक है। सेकंड पोस्ट अगर आपको CISF भरनी है तो CISF के लिए क्या दिख रहा है आपको, B, तो यानी कि HB। तीसरी चॉइस आपको SSB भरनी है तो फिर उसके बाद भरिए D। नेक्स्ट भरनी है आपको BSF तो उसके बाद भरिए A, यानी कि HBDA, ऐसे भरना है। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आप लोगों को जो है पोस्ट प्रिफ्रेंस देनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर सकती है। आपके ज़िंदगी में जितने आपने फ्यूचर प्लानिंग करी है वो सब कुछ फेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको और आपके परिवार के लिए सोच समझ के डिसीजन लेना है यहाँ पर। ठीक है, पिछली में 2018 की भर्ती है, बहुत लोगों ने मिस्टेक करी कि साइबर कैफ़े वाले के कहने पर आकर ABCDF भर दिया, बाद में बोल दे सर मेरे नंबर इतने थे लेकिन मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। दोस्त आप ऐसे भरोगे तो यार सिलेक्शन, आपके नंबर भी अच्छे होंगे तो नहीं आएगा, वो आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आएगा। बाद में पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कराने में बहुत दिक्कत होती है, नहीं होती। अभी जो करना है अच्छे से डिसाइड करके आपको जो है पूरी फोर्स, जितनी भी फोर्स हैं पूरी, आपके CRPF में वैकेंसी नहीं है, NIA में वैकेंसी नहीं है। तो जो सबसे टॉप फोर्स रहती थी आपकी NIA और CRPF लवेयर्स के लिए थोड़ी सी यार बैड लक है कि वैकेंसी नहीं निकली, फिर भी आपको उनके बदले इंस्टेड उनके बजाय जो है किस पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, वो आपको कैसे डिसाइड करना है। ना ही मेरी बात माननी है, ना किसी अदर यूट्यूब चैनल की बात माननी है, आपको पहले पर्टिकुलर हर फोर्स का जो प्रोफाइल चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं हर फोर्स का। ठीक है, तो आप उन पर जाके अच्छे से वीडियो को एनालाइज कीजिए किस फोर्स में क्या होता, फिर आपको डिसाइड करना कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मुझे किस तरह का जीवन व्यतीत करना है। दोस्तों अगर आपको सबसे बिल्कुल एकदम सिक्योर जॉब चाहिए तो दोस्तों सबसे बढ़िया SSF है। ठीक है, दिल्ली में रहना परमानेंट, आपको A क्लास TPT HRA सब कुछ मिलेगा, अच्छी सैलरी बनती है, SSF बेस्ट है। उसके बाद आपको पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं CISF यानी कि सेंट्रल इंडियन स्टेट सिक्योरिटी फोर्स में जाना है, तो उसमें रह जाना के लिए फ़ायदा क्या, आपका 7 साल के आउट जोन के बाद आपको होम जोन मिल जाएगा, तो आपकी सिविल लाइफ साथ साथ में जो आपकी फोर्स लाइफ दोनों चलती रहेंगी। एज ए स्टेट पुलिस मतलब आप मान सकते हैं, क्योंकि पुलिस में ही आते हैं जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, खाली असम राइफल को छोड़ गए, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, तो आप जो है CISF को सेकेंड प्रायोरिटी दे सकते हैं। अगर आपको दोस्तों आर्मी में जाने का सपना था लेकिन किसी कारणवश आर्मी में कोई दोस्त नहीं जा पाया, ठीक है, नहीं हो पाया सिलेक्शन उसका किसी कारणवश, वो फिजिकल मेडिकल या रिटर्न में रह गया, तो असम राइफल उनके लिए बेस्ट है। देखो सेम यूनिफॉर्म, ठीक है, सेम रूल्स रेगुलेशन, सेम वहाँ पे जो है जितनी गाइडलाइंस, ट्रेनिंग
ऑपरेशन कैंप बिल्कुल आर्मी की तरह होता है और आर्मी ही इसको डील करती है, ठीक है। खाली कैंटीन की फैसिलिटी भी सेम आर्मी की तरह, लेकिन बस खाली MHA और MOD यानी कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स दोनों के कंट्रोल में काम करती है 4G। तो अगर एक्चुअल मीनिंग में देखा जाए तो जो अर्धसैनिक बल का जो मीनिंग होता है पैरामिलिट्री यानी कि अर्धसेना, वो वही होता है कि सेना के रूप में जो कार्य करने वाली जो बल है तो वो कौन सी है, ओनली असम राइफल। वो बिल्कुल आर्मी जैसे ऑपरेशन करती है और आर्मी ही जैसा उसका टास्क किया जाता है आर्मी ही उसको डील करता है। जितना कमांड कंट्रोल है सब आर्मी के अंडर में, लेकिन आती किसके अंडर में, MHA के। तो ड्यूअल कंट्रोल है उसका ऊपर। तो असम राइफल भी बेस्ट है। अगर आप जो यूपी बिहार ये बॉर्डर के आसपास इस एरिया में ज़्यादा हैं तो वहाँ के लिए SSB बेस्ट है, क्योंकि वहाँ से नज़दीक पड़ती है SSB। अगर आपको दोस्तों सैलरी अगर सबसे ज़्यादा हाइक चाहिए तो देखो ITP भी सबसे बढ़िया है। कम से कम 20-30 हज़ार रुपये हर कॉन्स्टेबल भी एक 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा अलाउंस लेगा वहाँ पे, क्योंकि सियाचिन जितना पहाड़ी इलाका और जितना बर्फीले इलाके में ज़्यादा पोस्टिंग होती है वहाँ पे अलाउंस दुनिया भर के अलाउंस मिलते हैं। तो जो सैलरी हमेशा आप फाइनेंशियली रूप से आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। और आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना है यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमेशा पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर पे रहना। तो अगर आपको BSF में जाना पसंद है तो आप BSF को फर्स्ट चॉइस दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो जो भी मतलब ये चारों पांचों छह जो जितने भी आपकी फोर्स हैं, आपको खुद डिसाइड करना है मुझे जाना किस में, किस रूप से मुझे सर्विस करनी है वो टाइम, ठीक है दोस्तों। छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप जो अगर मेरी माने, मैं सहायक उपनिरीक्षक राहुल चौधरी CISF, अगर मैंने मेरी माने तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले SSF को देनी चाहिए, उसके बाद CISF को, उसके बाद SSB को, उसके बाद असम राइफल या BSF दोनों में से एक, या फिर लास्ट में ITB भी, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं फोर्स नहीं करूँगा, आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।